हेलो चिल्ड्रंस, हम पढ़ रहे हैं हिंदी फर्स्ट में पाठ 12 दीपावली। अब इसके प्रश्न, पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। दीपावली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? दीपावली का त्यौहार अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। श्री राम के घर वापस आने पर लोगों ने क्या किया था? उनके घर लौटने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए। दीपावली से कुछ दिन पहले लोग क्या करते हैं? दीपावली से कुछ दिन पहले लोग अपने घरों और दुकानों की सफाई करते हैं। दीपावली की रात में किनकी पूजा की जाती है? दीपावली की रात में गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर दो, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए, रौनक, मिठाइयाँ, त्यौहार, पटाखे। भारत में कई तरह के मनाए जाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? त्यौहार। भारत में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। दीपावली के दिन बाजारों में खूब होती है रौनक। दीपावली के दिन लोग एक दूसरे को बांटते हैं मिठाइयाँ। इस दिन लोग रात में जलाते हैं दिए। दीपावली की रात को बच्चे चलाते हैं पटाखे। ओके, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए। भारत, संस्कृति, श्री राम, अयोध्या, दिए, घी, दीपावली, त्यौहार, पूजा, लक्ष्मी, गणेश। अब है इसमें व्याकरण, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो सिंस ये है संस्कृति, तो संस्कृति आएगा। त्यौहार में दो मात्रा, नवंबर में आधा म, अयोध्या में आधा ध, मिठाइया में आगे से मात्रा और यहाँ पे चंद्र बिंदु, लक्ष्मी में छ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। संस्कृति, भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। त्यौहार, यहाँ कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं प्रसिद्ध। दीपावली, यहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। रौनक, इस दिन बाजारों में खूब रौनक होती है। पूजा, इस दिन गणेश जी व लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्दों पर गोला लगाइए। इसमें है त्योहारों पर सर्कल करना आपको, मिठाइयाँ सर्कल, पटाखे सर्कल, दुकानों सर्कल और फुलझड़ियाँ सर्कल, बाकी दिवाली, रौनक, वनवास और पूजा, ये सब एक वचन है।